Hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. तो guys बहुत ही ज़्यादा busy life चल रही थी जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी shoot नहीं कर पाए. तो finally आज हमें time मिला है और आज हमारी appointment भी है vaccine लगवाने की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा delay हो चुका है आगे ही. तो आज हमने सोचा कि आज हम vaccine लगवाएं और Saturday Sunday है तो जिसकी वजह से हम दो दिन अगर बुखार भी आता है तो आराम से हम निकाल लेंगे. और ये मनी क्या आप नहा नहीं रहे? क्यों? कल नहाए थे. इनका बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों. सैटरडे संडे जिस दिन आता है ना बिल्कुल नहीं नहाते, है ना? ठंडा मौसम है, ठीक है मत नहाओ. और गाइस क्यों बिजी लाइफ चल रही थी वो मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है तो उसके बारे में मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ. और पहले मौसम देखती हूँ कि बाहर का कैसा है. मौसम तो बहुत ही अच्छा है. एक चीज अगर मैं पुणे की बोलूँ तो मुझे यहाँ का मौसम बेस्ट लगता है. इतनी सारी शीप्स हैं यहाँ पे आती हैं ये सब शीप्स. और मौसम दिखाऊं तो अमेजिंग मनी, मौसम तो बहुत अच्छा है बाहर. चलो फिर जल्दी. तो गाइस ठीक है, अब मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट 4 बजे की है और 2:30 बज चुके हैं आई थिंक. तो एक घंटा हमें पहुँचते भी लगेगा. तो पहले रेडी हो जाती हूँ और हवा बहुत अच्छी है तो आई एम सो हैप्पी. चलो रेडी होकर मिलते हैं. वी आर रेडी. तो अब बस हम निकलने वाले हैं और ये मुझे आवाज़ें दे रहे हैं. तो मैंने पानी भी साथ में ले लिया है क्योंकि रास्ते में मुझे हमेशा प्यास लगती है. फ़ोन ले लिया मेरा. ओके लेट्स गो. आज बहुत दिनों के बाद तैयार हुई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है. मनी तो ऑलमोस्ट जब से हम अमृतसर से आए हैं तब से आप रेडी नहीं हुए ना? ऐसा तो नहीं है अमृतसर जाके आप रेडी नहीं हुए? उसके बाद जब से 2-3 महीने हो गया ना हमें आए हुए, तो 3 महीने में ये अब आज रेडी हुआ है. अभी तो टी-शर्ट पहनने की भी आदत नहीं है. तो चलो गाइस पहले चलते हैं. और मुझे भूख भी लगी है और मुझे कितना मूड चल रहा है. ये तो गीला है, आराम से आना. स्लिपरी था पता. गणपति बप्पा मोर. और जिस काम के लिए जा रहे हैं अच्छे से हो और हमें बुखार ना आए बस. अभी ध्यानक फोटो फोटो स्ट्रीट. हाँ मिल गया हमें, शुक्र है. हमें था कि सैटरडे है, लॉकडाउन की वजह से बंद ना हो. हाँ सही है, ये बाहर निकल के घर में बड़ी है, अंदर ठीक है. इसी में ना टाइम मनी तो टाइम नेट नहीं चल रहा था. मौसम बहुत ही ज्यादा क्लियर है. पहाड़ पे चलना शाम को? नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद पहाड़ पे चढ़ने की हिम्मत रहनी है. मेरे भी बहुत हिम्मत है. अगर रहेगी हिम्मत तो चढ़ेंगे, वहाँ जाएंगे. बारी पहले भी गए थे बट लेकिन वहाँ का हमने शूट नहीं किया था तो हमारा बहुत ज्यादा मन है. धीरे चलाओ. बहुत ज्यादा मन है ऊपर चढ़ के एक प्रॉपर शूट करने का. तो तो गाइस प्रिंट आउट हो गए हैं हमारे और अभी इसको बस फिल करना बाकी है, वो अभी हम करते हैं जब रुकते हैं तो. और हमें वैक्सीन हम कहाँ लगवाने जा रहे हैं? मनी के ऑफिस में ही वैक्सीन लग रही थी तो हमने सोचा कि वहीं चलते हैं, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें थी. तो हमने थोड़ा वेट किया और मनी के ऑफिस में आ गया था तो हमने वहीं से स्लॉट बुक कराया. और आज फर्स्ट डे था. आज फर्स्ट डे है तो हमें फर्स्ट डे पे ही हमें स्लॉट मिल गया तो अच्छी बात है ये भी कि हमारा आज काम हो जाएगा. और सैटरडे संडे था, मेन हमें था कि सैटरडे संडे हम लगवाएं जिस दिन ये फ्री होते हैं, तो अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम भी आता है तो हमें टाइम मिल जाए अच्छे से. आगे देखते हैं क्या बनता है. और गाइज जो मैंने आपको पहले बताया, आराम से चला भाई. तो गाइज मैंने आपसे जो शेयर किया था कि कोई गुड न्यूज़ है तो वो क्या है तो हम दोनों आपके साथ शेयर करेंगे. तो ठीक है मनी, रेडी हो? चलेगा ठीक है. We bought a new house. तो जिसकी वजह से हम पिछले कुछ महीनों से कुछ भी ब्लॉग शूट कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इतने ज्यादा बिजी थे उसके चक्कर में. पहले तो हम ढूंढने में इतने ज्यादा बिजी थे, 4 से 5 महीने हमें लग गया कि कौन सा लें, कौन सा ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है.
पता नहीं कितने ज्यादा ख्याल हमारे दिमाग में थे। उसके बाद लेने के बाद भी हमें लगा कि ये सही है कि नहीं है, यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं। बट लेकिन इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई इजी बात नहीं है, तो अगर हमने ले भी लिया था तो हमें था कि लाइक हमने अच्छा लिया है कि नहीं लिया, क्या वो लोकेशन ठीक है। बट लेकिन अब हमारा माइंडसेट हो गया हाँ अच्छा है, क्योंकि हमें मिलने ही वाला है नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक के बाद मिलने के बाद अब उसकी टेंशन है कि काम कैसे करवाना है। तो उस चक्कर में हमारे ये 3 से 4 महीने, 4 महीने तो हम अमृतसर में लगा के आए, जब आए हैं उसके बाद हमारा यही काम चलता रहा है। एक तो लॉकडाउन लग गया तो ओपन नहीं थी कोई भी शॉप, तो अब अगर ओपन हुई है तो हम रोज डेली दिन नागा हमारा बाहर का चक्कर लगता है कि किससे काम करवाएं, क्या करवाएं, कैसा करवाएं, कैसी लुक होनी चाहिए घर की, कोई इंटीरियर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अब देखो क्या डिसीजन एंड में क्या निकलता है, हफ्ते के बाद ही पता चलेगा। हाँ, जब तक काम स्टार्ट नहीं होता तब तक कुछ पता नहीं है कि कौन इंटीरियर वाला आने वाला है, कारपेंटर आने वाला है, क्योंकि अभी तक हम कंफ्यूज हैं इस चक्कर में। और नेक्स्ट मंथ हमारा प्रॉपर ये रेडी हो जाएगा अगर हमने स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में, तो विद इन 30 डेज हमें पूरा इंटीरियर हो जाएगा हमारा खत्म। और उसके बाद हमारी फैमिली भी आने वाली है और बहुत ही अच्छे अच्छे हम व्लॉग बनाने वाले हैं प्रॉपर घर के। तो उसके लिए भी आप प्लीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाल बटन आपको दिख रहा है तो इसको क्लिक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करा करो। लेट्स गो गाइस, अब इनका ऑफिस जो है 1 घंटा पूरा दूर है तो हम आके बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। 3:30 तो ये हो गया, 4 बजे का स्लॉट मिला है। 1 hour later. अरे 1 घंटे के बाद पहुंचे हैं, मैं तो सो गई थी बीच में, थोड़ी सी नींद भी ले ली। बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला है वो रेड वाली। साल के बाद आया मैं इधर, मैं तो नहीं आई, मैं शादी के बाद एक बार भी नहीं आई। और शुक्र है कि लॉकडाउन, हमारी शादी के बाद लॉकडाउन नहीं लगा। बिल्कुल, शादी के बाद 1 साल के बाद लॉकडाउन लगा है तो ठीक है, हम थोड़ा बहुत घूम लिया, सब कुछ हो गया हमारा ठीक, हनीमून पे चले गए। बट लेकिन जिनकी अभी शादी हुई है, मैंने उनका सोचो क्या हाल होता होगा, ना वो कहीं घूमने जा सकते हैं। पहुंच गए हैं हम HR सेंटर में और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है बाहर। हम पहुंच चुके हैं और मुझे भी कार्ड मिल चुका है यहाँ का, तो अंदर चलते हैं। रश भी लग रहा है मुझे काफी। तो गाइस मैंने लग चुकी है वैक्सीन, दर्द हुआ आपको? नहीं, बहुत ही सही लगा, बहुत अच्छी लगाई, लाइक बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हुआ कि लाइक लग गया। देखना बंद हो गया, छेद बड़ा छोटा था नहीं है, छोटा मोटा पे क्या ही है ये, तंदूर है। हाँ देखो तंदूर चलाते सोते। तो गाइस कैंपस में तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो हमने जितना हो सका हमने किया और फाइनली हमने लग चुकी है वैक्सीन। अभी तो कुछ दर्द नहीं हो रहा, बट लेकिन उन्होंने बोला है स्पेशली कि रात को आपको बुखार आ सकता है तो उसके लिए आपको पैरासीटामोल खा लेनी है। सबसे पहले खाना खाते हैं, भूख लग रही है बहुत ही ज्यादा। तो गाइस अभी हम आए हैं मिसल हाउस मिसल खाने के लिए, और देखो इनका शुरू भी हो गया। हाँ जी, तुसे कल्ले नहीं खाना है थे? मुझे भी डाल दो, देख कितने तेज है, मैं इस बाल्टी में खाऊं? मेरे तो बिना ही खा लिया तुसे आज, ये किदा हो सकता है? मैं पहले साफ खून खा लूंगा भाई, सच में मेरी बाजू दर्द होने शुरू हो गई है। तो पहले मैं खा लूं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इन्होंने तो खाना शुरू कर दिया। तो गाइस मज़ा आ गया खाने का, मुझे यही एक चीज़ है मिसल पाव की बिल्कुल पहले आदत नहीं थी, बट अगर इन्होंने अब आदत डाली है तो मुझे 1 वीक में एक बार ही चाहिए ही चाहिए। और काफ़ी अच्छा ये मिसल विला है, ये पास में ही हमारे घर के पास ही खुला हुआ है तो बहुत ही अच्छा बनाता है। मेरे भी अभी हल्का हल्का दर्द हो रहा है, मेरे भी दर्द हो, मैं फ़ोन पकड़ रही हूँ तो हो रहा है दर्द। A few moments later. तो घर आते आते हमें 7 बज गए थे और गाइस इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी, खा पी के नींद आ गई थी, और अब बज रहे 9, तो अभी तक सब ठीक है, गुड है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं,
सब नॉर्मल है अभी, बट आईज देखो इनकी कितनी रेड हो रही है। सो के उठो ना यार। तो अभी बस मन कर रहा है चाय पीने का। The next day. Hey guys, good morning. तो guys, अगर मैं रात की बात करूँ, रात को तो हमें कुछ नहीं हुआ दोनों को, बट लेकिन अब सुबह उठने के बाद मेरा सिर इतना ज़्यादा भारी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, आंखों में से पानी भी आना शुरू हो गया। मेरा भी सर भारी है। बस बाजू। हम दोनों को एक ही चीज़ हुई है। बाकी सबको बुखार आता है, बट लेकिन हमें बुखार बिल्कुल नहीं आया, तो हम आराम से सो गए थे, बट अभी सुबह उठी हूँ तो बहुत ही ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। तो देखते हैं, नाश्ता वगैरह करेंगे। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि चाय पीने के बाद ठीक हो जाएगा। मॉर्निंग ड्रिंक इज रेडी। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू डाला है, आधा नींबू और शहद और पानी, गर्म पानी। आज का नाश्ता मैंने रेडी कर रहा है। सिर इतना दर्द हो रहा ना कि मुझे वॉमिट वाला भी मन होना शुरू हो गया था। इनके साथ थोड़ी हेल्प कर रही हूँ, तवा रख दिया मैंने, ये ब्रेड को मक्खन लगा रहे हैं। हल्सी, फीवर ठीक है? फीवर तो नहीं है, सिर बड़ा दर्द है। ठंडा मौसम है, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अभी तो महाराष्ट्र में दोबारा से कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है। तभी हमने कल वैक्सीन लगवा ली थी कि हाँ चल ठीक है, सैटरडे संडे वैक्सीन लगवा लेते हैं, नेक्स्ट सैटरडे संडे से घूमना शुरू करेंगे। तो अभी देखो गाइस, अभी यहाँ पे कितना ग्रीन ग्रीन है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बट जब हम चले जाएंगे वो है हमारा न्यू घर। ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये चोटी, इससे पहले वाला, दिस वन, ये राउंड वाला, यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट ये है। तो उस साइड से इस साइड का सारा व्यू दिखेगा, तो मतलब वो वाला पहाड़ दिखने वाला हमें, ये वाला, बट ये चीज़ नहीं हमें दिखने वाली। लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार आ रहा है। एक जना तो ठीक है, तो अभी हम दोनों इकट्ठे नहीं लगा रहे थे कि अगर कुछ हुआ तो दोनों को ना साथ में हुआ। कितना है? 98.3 नॉर्मल है। तो गाइस 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, हमें वैक्सीन लगवाए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ थोड़ी सी सिर दर्द ही हुई थी और वो मेडिसिन खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। तो गाइस, हमने जितना भी सुना था कि लाइक कोविशील्ड से बुखार बहुत ज़्यादा आता है, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हमें, हम एकदम नॉर्मल हैं। और अभी 7 बज रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत बाहर हवा खाने के लिए हैं, बहुत ही अच्छा मौसम था। और अब भी जाओ, अगर अभी तक आपने नहीं लगवाई वैक्सीन तो प्लीज़ ज़रूर लगवाओ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट डोज हमारी 7 में है, ऑनलाइन हमें सर्टिफिकेट भी आ चुका है। तो जाओ गाइज, वैक्सीन लगवाओ। तो गाइज, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, लाल घंटी को जरूर दबा के जाना।